हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे पास पड़े हुए वेस्ट मटेरियल का यूज करके कैसे गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह से प्लास्टिक की बोतल की कैप ले ली। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं क्यूट लेडीबग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से जेसो अप्लाई कर देंगे। जेसो बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पर हम जो कलर अप्लाई करेंगे उसको होल्ड करके रखता है। जेसो के ड्राई हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कलर। मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज किया है। पेंट ब्रश से कलर अप्लाई हो जाने के बाद इस तरह से डेबर से डेप कर देंगे। यहाँ पर स्पॉन्ज का यूज किया है। अगर आपके पास डेबर हो तो डेबर का यूज करें, तो जो ब्रश स्ट्रोक्स होंगे वो निकल जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह से प्लास्टिक की बोतल का कैप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास स्टोन्स हो गए गार्डन में, तो उस तरह के स्टोन्स का भी यूज कर सकते हो। अच्छे से पहले क्लीन कर ले स्टोन को और उसके बाद इस तरह से लेडीबग को बना सकते हो। अब यहाँ पर हम आइस बनाएंगे। तो क्या किया है मैंने कि मेरे पास एक पुरानी बॉल पेन थी, तो उसका यूज़ करके इस तरह से हम आइस बना देंगे। अब यहाँ पर हम एक बार कलर को ड्राई होने देंगे। ड्राई हो जाने के बाद इसको हम सील करेंगे। सील करने से क्या होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और इसको तो हम बाहर रखने वाले हैं, प्लांट में रखने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको सील करें। तो अच्छे से इसको सील करें और उसके बाद ही इसको गार्डन में प्लेस करें। ऑल राइट, तो रेडी हमारा फर्स्ट DIY। ऑलराइट, अब सेकंड DIY के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटा सा प्लास्टिक का कप लिया है। जो दही का कप होता है ना, वो कप मैंने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले जेसो अप्लाई करेंगे। कप में से हम रेडी करने वाले हैं गार्डन को डेकोरेट करने के लिए छोटे से DIY मशरूम। जेसो के कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद अब यहाँ पर भी हम कलर अप्लाई कर देंगे। जेसो से क्या होता है कि हमारी जो सरफेस है जहाँ पर हम कलर अप्लाई करने वाले हैं उसको वो पेंट रेडी करता है। तो हम जो कलर अप्लाई करते हैं वो अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है सरफेस के ऊपर। ऑलराइट, अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह से एक ग्लू की बोतल थी, सिलिकॉन ग्लू की बोतल है। ये एक एम्प्टी बोतल है। अब यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे जेसो, और जेसो अप्लाई करने के बाद वाइट कलर अप्लाई करेंगे, वाइट एक्रेलिक कलर। अब जो हमने छोटा सा प्लास्टिक का कप लिया था, यहाँ पर जो हमने कलर अप्लाई किया था रेड, वो ड्राई हो चुका है। और अब हम यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से इस तरह से डॉट्स बना देंगे। पेंसिल का जो फ्लैट पार्ट होता है ना, जो बैक साइड होता है, उसका यूज किया है। अब यहाँ पर भी हम वार्निश अप्लाई करेंगे और इसको सील कर देंगे। यहाँ पर आप इसको सील करना ना भूले क्योंकि हम इसको बाहर रखने वाले हैं, तो अच्छे से सील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर ग्लू की हेल्प से बोतल को स्टिक कर देंगे। यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है उसका यूज करें। ऑल राइट, रेडी हमारा सेकंड DIY।
ऑल राइट, अब यहाँ पर हम एक हैंगिंग रेडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से दो कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं। यहाँ पर हम दो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाए। इस तरह से क्या होता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और मुड़ने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, जल्दी नहीं मुड़ता है। अब इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रोंग करने के लिए पेपर से कवर कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे जैसो, हम जो सरफेस है उसको पेंट रेडी करेंगे। अब जो हमने फर्स्ट DIY में जो कैप लिया है वो बोतल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी जेसो अप्लाई कर देंगे। कलर अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रश का यूज़ किया है और बाद में स्पॉन्ज से इस तरह से डिप डिप कर दे ताकि ये ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं बोतल के ऊपर वो ना दिखे। ओके, अब यहाँ पर मैंने इस तरह से एक डी कोपाज नेपकिन पेपर लिया है। ब्रश में थोड़ा सा वाटर ले करके जो हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ पर इस तरह से वाटर को अप्लाई कर देना है और उसके बाद इसको हम फाड़ना शुरू करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से डीकोपाज पेपर नेपकिन नहीं है तो आपके पास कोई भी डेकोरेटिव पेपर हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। उस हिसाब से आप वॉल हैंगिंग को रेडी कर सकते हो। अब यहाँ पर पीछे दो लेयर्स होती है उसको निकाल देना है। निकालने के बाद ही नेपकिन को सरफेस के ऊपर स्टिक करें। ऑल राइट, अब नेपकिन को स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर डेको मैजिक डी कोपाज ग्लू लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ग्लू अप्लाई कर दें और उसके बाद हम नेपकिन पेपर को स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। अब इस तरह से एक ड्राई ब्रश का यूज़ करें और पेपर को स्टिक करते जाएं। इस तरह से क्या होगा कि पेपर थोड़ा इजीली स्टिक होगा। उसके बाद फिर से ग्लू अप्लाई करें और ड्राई ब्रश की हेल्प से पेपर को स्टिक करें। नेपकिन पेपर स्टिक हो जाने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर और एक बार ग्लू को अप्लाई कर दें। अब ये सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले ग्लू अप्लाई करेंगे, उसके बाद नेपकिन पेपर को ड्राई ब्रश की हेल्प से स्टिक करेंगे और उसके बाद एक बार ग्लू अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास डीकोपाज नेपकिन पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर वो डीकोपाज पेपर भी होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ब्रिक इफेक्ट देने वाले। इरेजर और कलर का यूज करके यहाँ पर हम ब्रिक इफेक्ट देंगे। अगर आपके पास ब्रिक स्टेंसिल है तो उसका यूज करें, अगर नहीं है तो इस तरह से आप इरेजर की हेल्प से भी ब्रिक इफेक्ट को दे सकते हो।
ऑल राइट, अब यहाँ पर मैंने इस तरह से एक पुरानी पेंसिल ली है और उसकी हेल्प से पोल्का डॉट्स बना देंगे। यहाँ पर हमने डी कोपाज नेपकिन पेपर स्टिक, तो आप नेपकिन में जो कलर्स और कॉम्बिनेशन है कलर्स के, तो उस हिसाब से कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हुए अगर यहाँ पर हम कलर अप्लाई करेंगे, कुछ भी स्टेंसलिंग करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर बोतल है उसको भी हम सील करेंगे। सील करने के लिए यहाँ पर मैंने डेको मैजिक ग्लू लिया है, ये एज अ सीलर भी वर्क करता है। ग्लू एक बार ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसको भी हम सील करेंगे। सील करने के लिए यहाँ पर भी मैंने डिकोपाच ग्लू का यूज़ किया है, अगर आपके पास वार्निश है तो उसका यूज़ करें। कि इसको भी हम गार्डन में रखने वाले हैं तो इसको भी सील करना जरूरी। अब स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से बोतल को यहाँ पर स्टिक कर दे। और यहाँ पर मैंने इस तरह से स्क्रिप्ट स्टेंसिल का यूज़ किया है। अब इसको आराम से हटा ले। तो रेडी हमारा थर्ड DIY। ऑल राइट, ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे? अगर इस तरह के आइडियाज़ आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।